सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइज, आज हो चुका है फ्राइडे और डेट की बात की जाए तो आज है 22 मार्च 2024 और टाइम की बात की जाए तो टाइम अभी फिलहाल हो चुका है 10:50, मतलब 11 बजने वाले हैं। सो गाइज, आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे होंगे कि मैं लॉन्ग राइड पर कब निकलने वाला हूँ। सो जी हाँ दोस्तों, आज हो चुकी है 22 तारीख और होली के नेक्स्ट डे मैं निकल जाऊँगा अपनी राइड के लिए। सो राइड पे मैं कहाँ जाने वाला हूँ मैं आपको तो बताऊँगा अभी। फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपने सैडल बैग और अपने टैंक बैग में मैंने क्या क्या पैकिंग की है। सो तैयारी वगैरह चल रही है फुल ऑन राइड की, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। वीडियो पूरा बने रहना, बिल्कुल मत करना। सो मैं आपको चलो दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पैकिंग की है अपने सैडल बैग में, क्या क्या सामान रखा है। ये है अपने सैडल बैग जो कि 45 लीटर के, और इसमें मैंने देखो इस वाले बैग में वन साइड में अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह रखे हैं, टावल हो गया, निक्कर हो गई, ये देख सकते हैं आप, एंड ये मेरी मतलब संडो वगैरह हो गई। सो इस वाले बैग में मैंने अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह रखे। बाकी इस वाले बैग की बात की जाए तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या सामान इसमें रखा है। तो फिलहाल इसको अभी ओपन करते हैं। सो ये देखो गाइस, इसमें मैंने रखी अपनी बेल्ट, अपने हैंकी हो गए, और शर्ट हो गई, टी शर्ट्स हो गई, एंड नीचे इसके लोअर रखे हैं। बाकी अब ये है टैंक बैग। टैंक बैग में आपको मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या रखा है। सो गाइस, इसमें आप देख सकते हैं अपना GoPro का बॉक्स हो गया, केबल हो गई, इंटरकॉम की चार्जिंग केबल हो गई, अपना माइक हो गया, चेन ल्यूब हो गई, एंड ओलांजी के इसका कवर वगैरह हो गया। एंड यहाँ पे गाइस एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं इस राइड पे लेके जाने वाला हूँ जो कि है Insta360। ये चेक करो गाइस। तो आपका भाई इस ब्लॉग में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स दिखाने वाला हूँ, सिनेमैटिक शॉर्ट्स दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यार इस राइड पे, एंड आप इस राइड के एपिसोड में पूरा प्यार दिखाना, एंड अपनी बाइक को तो मैं क्या ही लोडेड बना के लेके जाऊँगा, आप खुद देख के चौंक जाओगे गाइस। सो गाइस, आपने मेरे बैग में देख ही लिया होगा मैंने क्या क्या सामान रखा है। सो तैयारी बहुत मस्त चल रही है, आज हो चुकी है 22 तारीख, मतलब दिन पता नहीं चल रहे हैं कि कब निकलते जा रहे हैं। एक महीने पहले से मैं सोच रहा था यार अभी एक महीना है, बहुत टाइम है, तो राइड में कब आएगी राइड, कब क्लोज आएगी। तो फाइनली राइड पास भी आने वाली है और हम निकलने ही वाले हैं। और आपको एक सरप्राइज और दूं कि यार 27 को मेरा बर्थडे भी है। सो होप करता हूँ आप सारे भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करोगे, जिससे मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होगी। एंड मैं अपने बर्थडे पर राम भगवान के राम नगरी के राम मंदिर के दर्शन करने वाला हूँ, तो बहुत अंदर से मतलब कहते हैं ना एक्साइटमेंट, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और मैं इस राइड पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ जाने वाला है। सो पहले यार हम थे 8 राइडर्स, 8 में से अब बचे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जाते आते एंड टाइम पे कुछ इमरजेंसीज के कारण बंदे कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम टोटल रह चुके हैं 5 राइडर्स। तो 5 राइडर्स में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। एक तो मैं हूँ, एक है अपने सैम भाई, नितेश भाई, नितिन भाई, और एक है अपने आशू भाई। सो इस राइड पर टोटल 3 बाइक्स जाने वाली है। बाइक्स में एक मेरी बाइक है पल्सर N160, और एक है नितेश भाई की थंडरबर्ड 350X, एक है सैम भाई की ड्यूक 200, और जो 2 बची वो 2 जाने वाली है स्कूटी, एक है अपने नितिन भाई की एंटॉर्क रेस एडिशन, और एक विजय भाई की एरोक्स 155 जो कि पूरी बल्की है, पूरी लोडेड है। सो गाइस, ये सारी मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब धीरे धीरे डे बाय डे जो जो मेरे को सामान लग रहा है कि वो रह गया है, जैसे छोटा मोटा पंचर किट हो गई, एंड अपना GoPro की एक्स्ट्रा बैटरी हो गई, टायर इन्फ्लेटर हो गए, ये सब मैं रखने वाला हूँ क्योंकि अब दिन रह नहीं गए, कल हो जाएगी 23 तारीख, फिर तो होली वगैरह है। सो होली वगैरह में आपको पता है कि बिजी वगैरह रहूँगा मैं। खैर मैं होली खेलता नहीं हूँ 1-2 साल से, बट फिर भी थोड़े बहुत फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, गुलाल से होली खेल लेता हूँ। खैर कोई बात नहीं, आपको हैप्पी होली इन एडवांस मेरी तरफ से। सो गाइज, हमारा जो मीटिंग पॉइंट रहने वाला है इस राइड का वो रहने वाला है करोल बाग के हनुमान मंदिर, एंड फ्लैग ऑफ जो हम कर देंगे लगभग 4 से 4:30 बजे के अराउंड हम फ्लैग ऑफ कर देंगे वहाँ से। बाकी नितिन भाई वगैरह, सैम भाई एंड विजय भाई हमें मिलने वाले हैं, जहाँ तक बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था कि वो मिलेंगे हमें महामाया फ्लाईओवर पे, मैं और नितेश भाई यहाँ हनुमान मंदिर में मिलेंगे, देन हम हनुमान मंदिर से फ्लैग ऑफ करके भाइयों के पास जाएंगे, देन वहाँ से हमारी मेन राइड स्टार्ट होगी जो कि है महामाया फ्लाईओवर। एंड जो ये राइड करने वाले हैं हम यहाँ से जाने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे
और आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे वगैरह होते हुए। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है, जो भी होगा ऊपर वाला अच्छा करेगा, भगवान भोलेनाथ अच्छा करेंगे, राम भगवान अच्छा करेंगे। सो अब मैं आपको मिलूंगा डायरेक्ट मोटो ब्लॉग पे, मोटो ब्लॉग पे आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे एंड मजे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हम जा रहे हैं 5 राइडर्स, और नाम भी मैंने सबके बता दिए थे, एंड मैंने फ्लैग ऑफ भी बता दिया था कि हमारा मीटिंग पॉइंट कहाँ होने वाला है, कि हम कहाँ से अपनी राइड को स्टार्ट करने वाले हैं। और मीटिंग पॉइंट का यार क्या है कि मैंने आपको भी बताया कि महामाया फ्लाईओवर पे मिलेंगे सैम भाई, नितिन भाई एंड आशु भाई। बट क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट सी हो रही है, रोज़ डेली हमारी कॉलिंग होती है, उस पर बातचीत वगैरह होती है, भाई कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ सूटेबल रहेगा, कितने बजे घर से निकलना चाहिए। तो फाइनल तो यही डिसाइड हुआ है अभी कि हनुमान मंदिर पर ही मीटिंग पॉइंट रखा है, और टाइमिंग जो है वो रखी है 4:30 बजे। बाकी देखते हैं यार, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, टाइम पे कोई नहीं पहुंच पाता, इवन मैं भी कभी कभी लेट हो जाता हूँ। सो लोकेशन की बात की जाए तो गाइज हम जाने वाले हैं भाई राम मंदिर, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने सोच रखा था मतलब मंदिर बनने से पहले ही कि जब भी मंदिर बनेगा आपका भाई दर्शन करने ज़रूर जाएगा, और ये एक अच्छी बात है, एक खुशी की बात है कि भाई मेरे को बाइक गिफ्ट मिल गई है मेरे पिताजी के थ्रू। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मैं अपनी न्यू बाइक से राम भगवान के मंदिर दर्शन करने जाने वाला हूँ। सो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, वीडियो में प्यार चाहिए आपका, बस और कुछ नहीं चाहिए। एंड ये जो राइड होने वाली है हमारी, टोटल मान के चलो 1500-1600 किलोमीटर के अराउंड की राइड होने वाली है। और कल जो मैंने मतलब पिछली क्लिप जो आपने देखी होगी उसमें मैंने आपको पैकिंग वगैरह दिखाई, मैंने बताया कि हम कितने राइडर्स जाने वाले हैं, कितने नहीं। और बाकी मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे बाकी बात मोटो व्लॉग पे करूँगा, तो आपका भाई आ भी चुका है मोटो व्लॉग पे। सो आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो तब आपका भाई निकल चुका होगा राइड पे, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। बस आपका सपोर्ट चाहिए अच्छा खासा, मतलब ऐसा सपोर्ट चाहिए कि आज से पहले आपने कभी नहीं दिखाया हो। और मेरा बर्थडे भी है 27 मार्च को, तो मैं चाहूँगा, और बस आप वेट करो अयोध्या राइड का एंड अयोध्या राइड की वीडियोस का। सो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।